नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बीएचयू वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल पे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के पूर्व और पश्चात जो गठित राजनीतिक संस्थाएं थी उनके बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज बिफोर एंड आफ्टर कांग्रेस। ये जो है वो आज हमारा टॉपिक होने वाला है। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर जा रही है या नहीं जा रही है। तो अगर आवाज़ जा रही होगी तो फिर हम इस सेशन को शुरू कर देंगे। तो एक बार आप लोग कमेंट करके जरा बता दीजिए कि क्या आप लोगों को आवाज जा रही है क्लियर। अगर आवाज जा रही है तो फिर कमेंट करके थोड़ा बता दीजिए। गुड आफ्टरनून अभय, क्लियर? ओके, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर जा रही है? ठीक है, शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, जरा एक बार लिंक को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा अपने जो ग्रुप है, और ग्रुप में भी बता दीजिए। ठीक है, निधि, स्नेहा, धीरेंद्र, अभय, आप लोग जरा ग्रुप में एक बार बता दीजिए बच्चों को कि सर जो है वो लाइव आ गए हैं, ताकि हम लोग शुरू कर सके, थोड़ा नंबर आ जाए हमारे पास, है ना। स्टूडेंट्स रहेंगे तभी हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएंगे। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। जरा मैसेज कर दीजिए एक बार, और कैसे हैं आप लोग एक बार थोड़ा बता दीजिए, ताकि आप लोगों का हालचाल हो जाए। तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? पढ़ाई हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? जी गुड आफ्टरनून ऑन गैरेज, आप नए जुड़े हैं शायद, चलिए स्वागत है सभी लोगों का। सभी लोग जुड़ जाएं और एकदम आराम से, जिनके पास समय हो थोड़ा बैठ जाएं, ठीक है ना, एक जगह पर स्थिर हो जाइए। और आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के, ठीक है। तो हम इस टॉपिक के लगभग सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सोशल रिफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी मूवमेंट्स चले हैं सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म के, उनके बारे में हम अगला जो हमारा लेक्चर होगा, जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा, उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो सभी लोगों से दरख्वास्त है कि सभी लोग एकदम आराम से बैठ जाएं और एक घंटे के लिए पालथी मार करके इस सेशन को देख जाइए पूरा, ठीक है ना। कोई भी बच्चा जो है वो भटकेगा नहीं, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस सेशन को। और हमारा पहला क्वेश्चन कंप्यूटर जी आपके सामने रख दिए हैं, और क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, या फिर विलियम बेंटिक। आसान क्वेश्चन से शुरू किया है, अंत जो है वो टफ क्वेश्चन से होगा, ये विश्वास रखिए आप लोग। तो शुरू करते हैं, बताइए सभी लोग जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए, तो अभी जो है वो सबसे पहला जवाब आप लोगों में से आशिमा ने दे दिया है, 1B, सौम्या, निशांत, कनिका, शशि, धीरेन्द्र, मोहम्मद इब्रान, ऑन गैरेज, अभय केसरवानी, शशि यादव, आर्यन यदुवंशी, सभी लोगों का जवाब जो है वो बिल्कुल सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो था उसके संस्थापक जो थे वो विलियम जोन्स थे, सर विलियम जोन्स। इन्होंने कलकत्ता में की थी, और सन तो आप लोगों को पता ही होगा, 15 जनवरी, डेट याद रख लीजिए, 15 जनवरी 1784, ठीक है ना, 1784 का था। और इस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, आप लोगों को पता होगा ये चीज़ कि जो 1772 से लेकर के 85 तक कौन रहा है, वॉरेन हेस्टिंग्स रहा है, ठीक है ना, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो वही था बंगाल का गवर्नर जनरल। और इसका एशियाटिक सोसाइटी का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था कि भारतीय जो ग्रंथ है ना उनको पढ़ना और उनका अनुवाद इंग्लिश में करना, ये एक प्रमुख जो है वो इसका उद्देश्य था, ठीक। बिल्कुल फजले आजिम सभी आप लोगों ने सही आंसर दिया है। एक आंसर इसी से रिलेटेड दोबारा मैं क्वेश्चन पूछ देता हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में भी आया हुआ था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना जो है वो कब हुई थी, इसका आंसर करिए सभी लोग। ये आएगा भी शायद, आगे हो सकता है आ जाए, लेकिन आंसर कर दीजिए एक लोग को ही, तो फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे जल्दी से। 1804, आशिमा ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया, सेकंड क्वेश्चन इसी उपलक्ष्य में आप लोगों तक जाता है। और द डेट जनवरी 15, 1784 इज इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न इंडिया बिकॉज, इस दिन क्या हुआ था? तो संस्कृत कॉलेज इन वाराणसी वाज एस्टेब्लिश्ड, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग वाज एस्टेब्लिश, पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड, एंड एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंड। 2 का डी जो है वो कई लोग आंसर कर रहे हैं, आप लोगों का क्या है सब लोग बताइए, सभी लोग बताएंगे, ठीक है, जल्दी से आंसर करिए।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठाएंगे वो उठाएंगे। चलिए ठीक है, तो ये जो है वो आंसर बिल्कुल सही है। सभी लोगों ने कनिका, फजले आजिम, मोहम्मद इब्रान, निशांत, सौम्या, धीरेंद्र, हिमांशु, शशि, सबका आंसर बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है वो हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना। बाकी आप लोगों को पता ही है सर्वोच्च न्यायालय का जो भवन था, यानी जो बंगाल सर्वोच्च न्यायालय बना था, वो 1773 में बन गया है ये, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 84 में ही आया था, ये बात ठीक है, ठीक, लेकिन डेट जो है वो अलग था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन का स्थापना हुआ है 1838 में, उसका नाम क्या था? ठीक है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, या सेटलर्स एसोसिएशन, या जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर सही है जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ये जो है वो अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो, जो भी कोर्स के बच्चे हैं, तो उन लोगों को पता होगा, ये काफी बार जो है वो हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड का डी आंसर बिल्कुल सही है। इसका एक और नाम था, अगर आप वो नाम अगर मैं बताता तो शायद आप जल्दी से पहचान पाते, लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है ना, इस नाम से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में भी, CUET PG के। तो इसलिए इन दोनों नामों को ध्यान रखिए। पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो था वो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, जिसे जमींदारी एसोसिएशन भी बोला जाता है। ठीक, इनके जो संस्थापक थे वो थे द्वारकानाथ टैगोर। आपने नाम सुना होगा, द्वारकानाथ टैगोर जो थे वो क्या थे, इसके संस्थापक थे। बात समझ में आ गई ना। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, जाहिर सी बात है जमींदारों से जुड़ा हुआ है, तो इसका उद्देश्य क्या रहेगा, जमींदारों के हितों की रक्षा करना। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंबई एसोसिएशन, या मद्रास नेटिव एसोसिएशन। फोर्थ का आंसर करिए। अब आप लोगों को लगता होगा कि ये रिपीट क्यों क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये कई बार बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये क्या है, ये प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको ये लगे कि अरे यार देखो मुझे याद हो गया। ठीक है ना, और इस तरह का क्वेश्चन आए तो मैं एक पैटर्न भी दिखाना चाहता हूं हर बार। तो इसका जो हो जाएगा वो लैंड होल्डर सोसाइटी बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। नेम द फर्स्ट मेजर वॉलंटरी एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग प्राइमरीली इंडियन लैंडलॉर्ड्स इंटरेस्ट दैट वाज सेट अप इन कोलकाता इन 1851। 1851 में कलकत्ता में स्थापित पहली प्रमुख स्वैच्छिक संस्था का नाम क्या था, जो मुख्यतः भारतीय जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, या फिर बॉम्बे एसोसिएशन। इसका आंसर करिए सभी लोग, फिफ्थ का बताइए जल्दी से। चलिए फिफ्थ का ए कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा ये जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। 32 के 32 लोग कमेंट करिए, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करने में क्या समस्या आती है, तो एक बार लाइक कर लीजिए, मुफ्त में होता है, केवल वो सफ़ेद को काला कर लेना है, उसमें रंग भर देना है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कर लीजिए सभी लोग। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है ये, इसकी स्थापना 1851 में हुई है, जिसके बारे में मैंने वीडियो में जो है वो आप लोगों को बताया था। यहां भी थोड़ा सा बता देता हूं, दो स्थापना हुए थे, पहला हुआ था लैंड होल्डर सोसाइटी और दूसरा था बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडिया सोसाइटी, ठीक है ना, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये दो स्थापित हुए थे बंगाल में ही, और इन दोनों को मिला करके कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई है। तो बढ़िया से अगर पेज कॉपी आपने रखा हो तो यहाँ ग्राफ बना करके आप दिखा भी सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लैंड होल्डर सोसाइटी दिखा दीजिए एक तरफ, एक तरफ आप बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दिखा दीजिए, और नीचे क्रॉस करके दोनों तरफ नीचे में लिख देंगे आप ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी एसोसिएशन। ठीक है, ये जो है 1851 में इसकी स्थापना हो गई है। ठीक, इसकी स्थापना जो किया था उसमें से दो तीन लोगों का नाम, जैसे राधाकांत देव थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे, इन लोगों का नाम जो है वो प्रमुख है। और अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो पहला जो अध्यक्ष थे वो राधाकांत देव थे, और जो सचिव थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। बात समझ में आ गई। थोड़ा सा डीप अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन जितना आपको होल्ड हो पा रहा है दिमाग में उतना होल्ड करते रहिए। ठीक है, जुड़े रहिए, टाइम पीरियड कम से कम ध्यान देते रहिए, कम से कम ये पता करते रहिए कि ये चल क्या रहा है। कानों में आवाज जाएगी तो वो वहां पे गूंजेगी जब आप एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सही आंसर लगा करके आ जाएंगे।
चलिए प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर करेंगे सभी लोग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, राधाकांत देव या आनंद मोहन बोस। चलिए इसका आंसर कर दीजिए सभी लोग, फट से आंसर करेंगे। अभी जो है वो आंसर बताया भी गया है, सभी लोग मुझे उम्मीद है कि छठा का ए जो है वो कह रहे हैं अभय केसरवानी। बाकी लोग बताइए, कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोगों ने डी भी आंसर कर दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अभी हमने बताया कि पहला जो है वो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राधाकांत देव थे। तो यानी सी जो ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से इस क्वेश्चन का जो है वो आप लोग आंसर करेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और उसमें से कारण दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। दादा भाई नौरोजी ऑर्गेनाइज्ड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866 इन लंदन टू डिस्कस ऑन इंडियन क्वेश्चंस। और रीजन है ही वांटेड टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन। इनमें से कौन सा आंसर आपको सही लगता है जल्दी से बताएंगे, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें से सेवेंथ का जो है वो ए कुछ लोग कह रहे हैं, यानी इसका जो दोनों ऑप्शन है वो सही है और सही व्याख्या भी नहीं। पहला है ए सही है किंतु आर गलत है, ये है क्या पहला ऑप्शन? हाँ ए सही है लेकिन आर गलत है, ये पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन है जो है वो है आपका ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन बी भी यही है, ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए यहां लगता है कि बी थोड़ा सा गड़बड़ यहां दे दिया गया है। सी जो ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, और डी जो है वो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो थोड़ा सा यहां क्वेश्चन को घुमाया भी गया है, मतलब ऑप्शन को जो आप पैटर्न देखते होंगे पहले से, उसका पैटर्न नहीं है यहां पे। ठीक है, ए गलत है सर बिल्कुल। तो यहां जो हो जाएगा ना वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां बिल्कुल दोनों कथन सही है और कथन जो है वो पुष्टि भी करता है। बात समझ में आई? यानी क्या है कि वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था, जिसका जो उद्देश्य था वो भारत के लोगों की समस्याओं जो थी उन पर क्या करना, विचार विमर्श करना जो है वो था, और जिससे क्या हो सके, ब्रिटिश जनता का मत जो है वो प्रभावित हो सके। बात समझ में आ गई ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ईयर में 1966 है। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, ओ माय गॉड, इट्स टाइपिंग मिस्टेक। 1866 जो है वो लिखा हुआ है। अगर ऐसा है तो यहां जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए सही है कि सॉरी आर जो है वो सही है, ए गलत है। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन ही कहीं नहीं है। ठीक है, इसमें इंग्लिश वाला ठीक है क्या? इंग्लिश वाला ठीक है, हिंदी वाला गलत है। ठीक है, तो ये चीज है, कोई बात नहीं। जिन भी लोगों ने सही आंसर किया है वो आप याद रखिए कि 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की है लंदन में, और इसका जो था ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना था। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दूसरा सीख इससे क्या मिलता है कि हमें हमेशा इंग्लिश वाले जो ट्रांसलेशन है उस पर भरोसा करना चाहिए, हिंदी वाले पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये कभी भी वहां भी जाएंगे, जैसे अगर आप 2022 के पेपर को अगर आप देखेंगे तो उसमें हुआ ये था ना कि अगर आप लोगों ने किसी ने अगर देखा हो तो वहां एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हिंदी में ऑप्शन ही गायब था, ऑप्शन ही नहीं था, तो कई बच्चे छोड़ करके आ गए वापस। लेकिन कुछ बच्चों ने क्या किया कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखा, तो इंग्लिश में सही आंसर दिया हुआ था, मतलब ऑप्शन वगैरह सही थे। तो हर बच्चे को यह चाहिए कि जब भी आप पेपर दे रहे हो तो उस समय हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्राई करिए। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। एट्थ का जो है वो डी कुछ लोग बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। गायत्री मंडल ने इस बार कमेंट किया, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन लंदन बाई दादा भाई नौरोजी इन 1866? द बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन या द मद्रास नेटिव एसोसिएशन? इसका आंसर करिए सभी लोग। चलिए नाइन्थ का जो है वो बी आंसर आप लोगों ने कर दिया है,
जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन जो होगा वो सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एम जी रानाडे और जी वी जोशी द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई 2 अप्रैल 1870, 2 अप्रैल 1869, 1871 सेकेंड अप्रैल और 1872 सेकेंड अप्रैल, इनमें से कौन सा आंसर आपको सही लगता है कमेंट करके बताइए। टेंथ का जो है वो बी काफी लोग बोल रहे हैं, बी काफी लोग नहीं, एक लोगों ने बोला है, दो लोगों ने बोला है, ठीक है। बाकी लोगों का क्या आंसर है जल्दी से कमेंट करिए। पूना सार्वजनिक सभा, ये तो काफी बार पूछा गया है, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। चलिए फजले आजिम ने जो है वो पहली बार सही आंसर कर दिया है, ठीक है, बधाई हो फजले आजिम, आप जो है वो सही आंसर की है। 1870 में बच्चों हुआ था इसकी स्थापना, ठीक है ना। 2 अप्रैल 1870 को एम जी रानाडे और जी वी जोशी, जिनका नाम गणेश वासुदेव जोशी था, इन्होंने जो है वो स्थापना किया था, ठीक। इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जनता को ये बताना चाहते थे, ठीक है ना, कि आखिर अपना अधिकार कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 1875 में क्या हुआ था कि ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा बाद में मिला था, ठीक है। 1919 में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की स्थापना होती है, जबकि ये 1875 में ही इन्होंने इस चीज़ की मांग की थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबमिटेड, है ना, सबमिटेड इन 1875 अ पेटिशन टू हाउस ऑफ कॉमन्स डिमांडिंग इंडिया डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। निम्नलिखित में से एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद से भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी, किसने? द डेक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा या फिर द पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। इन क्वेश्चंस का उद्देश्य यही है कि आपको इन टॉपिक्स से जुड़ा हुआ कोई भी जो क्वेश्चन है वो छूटे नहीं आप लोगों से, और कम से कम अगर क्वेश्चन आए भी तो वो बाद में याद हो जाए। बात समझ में आ रही है ना, अगर बाद में कभी प्रैक्टिस करते हैं तो कम से कम इतना तो हो जाएगा आप लोगों को, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए सेशन को जो है वो अच्छे से देखते रहिए, सारी चीजें डिटेल्स जो बता रहा हूँ उसको नोट डाउन भी किया करिए, तब ज्यादा मजा आएगा, ठीक। तो इसका जो है वो डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। विच हु वाज द फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड इंडिया लीग एंड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इंडिया लीग और इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजनीतिक संगठनों का जो है वो संस्थापक कौन था? बीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रहीमतुल्ला सयानी या डब्ल्यू सी बनर्जी? ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू, थ्री एंड फोर, इसका आंसर करिए। चलिए कुछ लोगों ने भी आंसर किया है, लर्नर, लर्नर आपका नाम क्या है थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए। शशि निशांत सी बता रहे हैं, शशि का कहना डी है, फजले आजिम ओनली टू कह रहे हैं, ठीक है, सभी लोग बताएंगे। 12 का बी, आशीष कुमार नायक का कहना है, विकास का कहना है ए, अभय का ए, फजले आजिम का बी, कुलदीप का सी, चलिए ठीक है, गायत्री का कहना है बी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो जो सी नंबर पे यहाँ लिखा हुआ है, यानी बी जो ऑप्शन है ओनली टू, ये जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका कारण क्या है कि 1875 में बाबू शिशिर कुमार घोष जो थे उन्होंने इंडियन लीग की स्थापना की थी, ठीक है, शिशिर कुमार घोष, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको जगाना, ठीक है, उसको क्या करना, जगाना, ठीक। और यहाँ पर जो है वो 1876 में इंडिया लीग का स्थान जो है वो इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया था, और इसे आनंद मोहन बोस और साथ में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में स्थापित किया था। बात समझ में आ गई, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। चलिए जी, चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की है, इसका आंसर करिए। कोई बात नहीं, अब है थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। 13 का ए, 13 का बी कुछ लोग कह रहे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल सही है, यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जो थे इन लोगों ने ही इसके
की जो क्या थी स्थापना की है ना, दोनों राष्ट्रीय सम्मेलन जो दोनों थे इनका स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? विपिन चंद्रपाल, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या एस एन बनर्जी? अभी जो है वो आंसर किया गया है। वॉइस नॉट ऑडिबल, अभी आवाज जा रही है ना। इसका आंसर करिए, निम्नलिखित में से कौन जो है वो इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? विपिन चंद्रपाल, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या एस एन बनर्जी? बिल्कुल सही आंसर है, एस एन बनर्जी जो थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने जो है वो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली, आरसी दत्त या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका आंसर करेंगे सभी लोग। 15 का जो है वो कुछ लोग ए बोल रहे हैं, सभी लोग आंसर करेंगे। बताइए बताइए, कमेंट करिए सभी लोग। ठीक है, बिल्कुल 15 का जो है वो ई आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो हो जाएगा, जो कि अभी हमने इसके बारे में बात भी किया था कि जो कौन कौन थे, है ना। तो ये जो है वो आनंद मोहन बोस और साथ में सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम यहां पर आ जाएगा, तो एक में से जो है वो यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। एस एन बनर्जी और आनंद बोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन जो है वो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से संबद्ध नहीं था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस या फिर एओ ह्यूम या सूर्य सेन? इसका आंसर करिए। ये आईएएस प्री में पूछा गया है 2010 में। सभी लोगों को लैग कर रहा है क्या? आवाज मेरी क्लियर नहीं जा रही है। यहां जो है वो सी और डी दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल किरण सही आंसर दिया है आपने। सी और डी जो दोनों आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एओ ह्यूम और सूर्य सेन, ये दोनों आंसर सही है। ये दोनों इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से संबद्ध नहीं थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कई बार, लेकिन उसमें से ये होता है कि अगर आपने सही किसी पे भी एक पे आंसर किया होगा तो वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट ऑन द इशू ऑफ सिविल सर्विसेज इन ईयर 1877 टू 78? निम्नलिखित में से किसने एक ने वर्ष 1877 से 78 में सिविल सेवाओं के मुद्दे पर पहला अखिल भारतीय आंदोलन संगठित किया था? इसका आंसर करिए। ठीक है ठीक है, चलिए इसको ठीक है मैं रख लिया हूं हाथ में ही, अब बात करते हैं। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। 17 का, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन ने ये जो है वो सिविल सर्विसेज के मुद्दे पर क्या किया था? भारतीय अखिल भारतीय आंदोलन जो है वो शुरू किया था। ठीक है, और भी कई सारे मुद्दे थे, जैसे प्रेस एक्ट वगैरह को लेकर के भी इन्होंने अपनी जो बात थी वो उठाई थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18th नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स वॉज डिसमिस्ड बाई द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेस? भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आरसी दत्त या फिर सुभाष चंद्र बोस? काफी फेमस क्वेश्चन है, सभी लोग बता सकते हैं, जल्दी से बताइए।
ठीक है, 18 का जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो पहले भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश द्वारा जो है वो इंडियन सिविल सर्विसेज से इनको क्या किया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख जो राष्ट्रीय संस्था थी वो क्या थी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, या फिर इंडिया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, या इंडियन एसोसिएशन। इसका आंसर करिए सभी लोग। नाइनटीन्थ का आंसर करेंगे सभी लोग। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी विच मर्ज्ड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886। ठीक है, अभी जो शायद कौन बात कोई किसी ने कमेंट भी किया था इस बात को, तो चलिए इसका क्वेश्चन आ गया है, आंसर कर दीजिए जल्दी से। कौन सा एक संस्था थी जो ब्रिटिश सॉरी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जिनका विलय हो गया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, या फिर इंडिया इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसका आंसर करिए सभी लोग। 20 नंबर का, चलिए 20 का जो है वो डी कह रहे हैं, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो निशांत का कहना है। बाकी लोगों का, मोहम्मद इब्रान जो है वो सी की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ लोग सी की तरफ, कुछ लोग डी की तरफ। इंडियन एसोसिएशन जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है ना, ये जो है वो इस इनका ही विलय जो हुआ था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हो गया था 1886 में। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये नया क्वेश्चन है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी किस वर्ष में, 1880, 1882, 1881, 1884। अगर आप PYQ कर रहे होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस की भरमार है, कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे CVET PG में भी, या फिर अगर BHU आप कर रहे हो तो BHU में भी आएगा, कई बार आएगा। ठीक है, तो इन सारे एसोसिएशंस को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जो पहले के हुए हैं, कांग्रेस से पहले और या फिर उनके बाद में। ठीक है, जिनका नाम बहुत आसानी से नहीं याद होता या मेन जो इतिहास के पन्नों में नहीं है, अगर हम ग्रेजुएशन लेवल पे बात करें तो कोई CVET UG का क्वेश्चन पूछ रहा हो। ठीक है, तो इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना जरूरी है और पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। ठीक, मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है वो 1884 में हुई है, काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक, इसके जो संस्थापक थे वो आपके तीन लोग ने, जिसमें क्या नाम था, MV राघव चेरियार थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे और पी आनंद चारलू थे। ठीक है ना, इनके प्रयासों से जो है वो मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई है। इनका जो उद्देश्य था वो स्थानीय संगठन और संस्थाओं के जो कार्य हो रहे थे ना उनको संभालना था। ठीक है, समन्वित करना जिसे कहते हैं, तो ये जो है वो काम ये संस्था मद्रास महाजन सभा कर रही थी। और इन्होंने क्या किया सॉरी, विधान परिषद वगैरह के सुधार वगैरह के लिए भी इन्होंने विचार करना शुरू किया था इस संस्था के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं है, राघव चेरियार, पी आनंद चारलू, जी सुब्रमण्यम अय्यर, या श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, तो डी आंसर जो है वो बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया, श्यामजी कृष्ण वर्मा जो हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और अगर इनका नाम अगर आप लोग जानते हो तो इन्होंने क्या किया था, इंडिया होम रूल सोसाइटी, ये एक सोसाइटी थी जिसकी स्थापना इन्होंने लंदन में किया था, कब, 1905 में। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किसने किया था, इसका आंसर करेंगे आप लोग।
बिल्कुल सौम्या, बिल्कुल सही बता रही हैं आप। निम्नलिखित में से कौन मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं था? ठीक है, ये तो हो ही गया। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, के टी तैलंग, डब्ल्यू सी बनर्जी, तैयब जी, या फिर इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका आंसर करेंगे, चलिए सभी लोगों को लगभग पता है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से अधिक। कौन है भाई साहब? तो फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे और केटी तैलंग थे। इन तीन लोगों ने मिलकर के बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। इन तीनों को क्या बोला जाता है? बम्बई त्रिमूर्ति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बम्बई त्रिमूर्ति बोला जाता है। और डब्ल्यू सी बनर्जी जो थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने प्रथम जो कांग्रेस की जो क्या थी, राष्ट्रीय सम्मेलन था ना, उसका अध्यक्षता जो है, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता 1885 में की थी। ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन 1885 के स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? ठीक, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चालू, एम वी राघव चेरियार और एस एन बनर्जी। इसका आंसर करिए सभी लोग 24 का, सभी लोग आंसर करेंगे 24 का। ए जो है वो काफी लोगों का आंसर है, जो कि बिल्कुल सही है। फिरोज शाह मेहता जो थे वो क्या थे? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। 1917 में जस्टिस पार्टी की स्थापना किसने की थी? नारायण गुरु, ज्योतिबा राव फूले, या फिर पी त्यागराज, या सी एन अन्ना दुरई? इसका आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पी त्यागराज, है ना। पी त्यागराज जो थे वो जस्टिस पार्टी यानी न्याय दल की स्थापना इन्होंने मद्रास में की थी। इनके साथ और दो तीन लोग थे, जैसे टी एम नैयर थे, उसके बाद डॉक्टर सी नतेसा मुदलियार थे। ये दो लोग जो है वो इनके साथ थे और यह प्रथम गैर ब्राह्मण संस्था थी। ठीक, इसका जो वास्तविक नाम था वो साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन यानी दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ, ये था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे बाद में स्थापित हुआ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, सत्यशोधक समाज, या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? इसका आंसर करिए सभी लोग। हाँ जी, सभी लोग आंसर करेंगे। कुछ लोगों का कहना है 26 का डी, कुछ लोग 26 का डी, फिर सी भी बोल रहे हैं, ए भी बोल रहे हैं कुछ लोग। कुछ लोगों का कहना बी है, कुछ लोग डी है, कुछ सी है। तो क्या किया जाए, कैसे समझा जाए कि इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो जाएगा, यानी ए जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, जो कि हिमांशु वगैरह ने, एक दो बच्चों ने बताया हुआ है। ठीक है, तो जिन्होंने भी सही बताया, बिल्कुल सही आंसर है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो हुई है वो 27 सितंबर 1885 ईस्वी को, जो विजयादशमी का दिन था, डॉक्टर केशव हेडगेवार, है ना, केशव बलिराम हेडगेवार जी ने की थी। ये पहले सर संघ चालक थे। क्या थे? सर संघ चालक। उसके बाद अभी छठे नंबर पे आते हैं मोहन जी भागवत। ठीक, उसके बीच में गुरु जी आते हैं, ठीक है, गोलवलकर जी, और भी कुछ लोग, सुदर्शन जी आते हैं, और भी काफ़ी काफ़ी लोग हैं। ठीक, हिंदू महासभा, इसकी जो स्थापना हुई है आप लोगों को पता है, मदन मोहन मालवीय जी ने 1915 में किया हुआ है, जिसका नाम क्या था? अखिल भारतीय हिंदू महासभा था। ठीक, सत्यशोधक समाज की अगर बात करें तो ये तो बहुत पहले 1873 में ही हो गया है। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो ये जस्ट एक साल पहले, 1925 से एक साल पहले, 1924 में हुआ है, सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल आदि ने किया था। ठीक है, चलिए, इसी संगठन जो ये क्या कहते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, इसी ने क्या किया था 1925 में, काकोरी हत्याकांड में भाग लिया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है वो कहाँ हुई थी, नागपुर में, बंबई में, सतारा में या दिल्ली में? चलिए आंसर करिए सभी लोग। सत्ताईस का आंसर करेंगे सभी लोग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है वो कहाँ हुई है? कब की थी सर? 27 सितंबर बताया तो ए, अच्छा कब की थी नहीं समझ में आया मुझे क्या आप कह रहे हैं। ठीक है 27 का जो है वो ए बिल्कुल सही आंसर है ना, नागपुर में इसकी स्थापना जो है वो हुई है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजा मंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स पार्टी यानी कॉन्फ्रेंस सॉरी के अध्यक्ष थे? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? इसका आंसर करिए सभी लोग। 28 नंबर का आंसर करेंगे सभी लोग। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भारत प्रजा मंडल की स्थापना जो है वो इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? हाँ जी 28 का जो है वो कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अभी बी आंसर किया है वो बिल्कुल सही आंसर किया है। पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये जो संस्था थी इसे लोक परिषद भी बोला जाता है, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि कहीं ना कहीं भारतीय जो रियासतें थी ना वो अलग हमारे देश से अलग नहीं होंगी, ठीक है। ये जो इस जो प्रजामंडल थी इसका जो उद्देश्य था वो यही था, ठीक। जो रियासतें थी अलग अलग उनको हम भारत से अलग नहीं होने देंगे अगर वो चाहेंगे तो भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। ये जो 1939 में इसका जो अखिल भारतीय प्रजामंडल सम्मेलन का अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और लीडर और पार्टी जो है वो दिया हुआ है आपके सामने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मीनू मसानी, एस ए डांगे और अशोक मेहता, ठीक है। ये जो है वो चार ऑप्शन है आपके पास। और दूसरी तरफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये जो है वो आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो जल्दी से सोच करके बताइए कि इनमें से जो सही मिलान होगा वो कौन सा होगा। चलिए जी सभी लोग आंसर करेंगे, थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया होगा तो बता सकते हैं, एकदम आसानी से आप बता सकते हैं। चलिए बताइए बताइए सभी लोग। कुछ लोग ए कह रहे हैं, काफी लोग ए कह रहे हैं, सी जो है वो कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग बी या फिर डी कह रहे हैं। बी और डी में तो अंतर है, चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए बिल्कुल सही है, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या किया था कि भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, ठीक है। तो ए का जो है वो दूसरा तो बिल्कुल सही हो गया, यानी बी और डी का कोई चांस ही नहीं है, ए और सी में से ही कोई ना कोई एक होने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों को पता हो तो ऐसे डांगे जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, सी का पहला, यानी आपको ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो है वो आप लगा सकते हैं, मीनू मसानी जो थी वो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे और अशोक मेहता जो थे वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बात समझ में आ गई तो बोलिए हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। विच इज इनकरेक्ट, कौन गलत है?
इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम जोन्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस AOUM या बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी जो है थोड़ा सा बताया भी गया है तो आप बता सकते हैं, सभी लोग बता सकते हैं। कितने लोग कॉपी लेकर के बैठे हुए हैं ये मुझे बताइए, कितने लोग नोट डाउन कर रहे हैं सारी चीज़ों को जो भी बताई जा रही है, थोड़ा ये कमेंट करके बताइए, मैं देखना चाहूँगा कि कौन से ऐसे होनहार बच्चे हैं जो सफलता के लिए इच्छुक हैं। ठीक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही है। चलिए, निशु गुप्ता का आंसर आया, इन्होंने कॉपी किताब लेकर के बैठी हुई है, कॉपी लेकर के। आर्यन जो है वो बैठे हुए, धीरेंद्र बैठे हुए, कुलदीप हैं विद माय नोटबुक, आर्यन बैठे हुए हैं। किरण जो है वो मैं कर रही हूँ सर, आई हैव अ बुक। गायत्री मंडल, बुक नहीं ही बैठी है, कॉपी लेकर के बैठी है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। गायत्री मंडल, लर्न विद SKM बैठे हुए हैं, फजले आजिम बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, खुशी हुई जान करके, ये तो काफ़ी अच्छे बच्चे हैं आप लोग। यहाँ जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था ना, वो KT तैलंग, बद्रुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता, इन लोगों का नाम हमने बताया था, बॉम्बे त्रयी के नाम से ये जाने जाते हैं और इन्होंने ही स्थापना किया था। ठीक है, और अगर बात करें कि सुभाष चंद्र बोस ने, इन्होंने क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। ठीक है ना, चलिए, काफ़ी लोगों ने, बहुत बढ़िया। इस वक्त लिख नहीं पाता हिमांशु, तो कभी नहीं लिख पाएंगे, घर से सोचते थे ना हम लोग बचपन में कि घर जाके नोट्स बनाएंगे, वो बनता ही नहीं था, तो उसी समय जितना तैयार हो जाएगा हो जाएगा, टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है आपके पास कि दो बार देखें फिर तैयार करें। ठीक है, एक ही बार में तैयार करिए। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करिए, बंग भाषा जो प्रकाशिका सभा थी, ठीक है, और उसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन सोसाइटी, इंडियन लीग, ठीक है, इन चारों को आपको स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, स्क्रीनशॉट से क्या होगा, पेपर तो दे ही देता हूँ मैं, ये तो पेज आपको मिल ही जाता है, मैं लिखता थोड़े हूँ यहाँ पे कि कौन सा सही है, ये भी कर सकता हूँ ऐसे, ये अच्छा आइडिया है, मैं टिक कर दूँ यहीं पर तो आप लोगों को आंसर भी पता चल पाए। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये सही क्रम में सजाया हुआ है, काफ़ी लोगों ने जवाब दे दिया, बहुत बढ़िया, चलिए, अच्छी बात है। तो यहाँ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, यानी बंग भाषा प्रकाशिका सभा, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 1836 में, 1836 में इसकी स्थापना हुई है, और राजा राम मोहन राय के अनुयायी जो थे उन्होंने इनकी इसकी स्थापना की है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें लैंड होल्डर सोसाइटी, तो इसके बारे में हमने बात ही किया था, 1838 में, 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने इसका इसकी स्थापना की है। तीसरा जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है ना, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है वो इसकी स्थापना जॉर्ज थॉम्सन ने 1843 में की है, 1843 में। ठीक है, और इंडियन लीग की अगर हम बात करें तो ये जो है इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1875 में किया हुआ है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 31, 33 आ गया क्या, एक क्वेश्चन गायब है, कोई बात नहीं, चलिए 33 का ही आंसर करिए सभी लोग। यहाँ पर दिया हुआ है कि सुमेलित करना है आपको, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, उसके बाद सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन है, और लास्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसके संस्थापक जो दिए हुए हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, KT तैलंग, राधाकांत देव और सैयद अमीर अली। ठीक है, इसका आंसर करिए सभी लोग, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग, मैच द फॉलोइंग है, सोच करके थोड़ा सा सही आंसर करेंगे। ठीक है, समय ले लीजिए, समय की कोई इतनी जल्दी नहीं है, मैं बहुत फास्ट कराता हूँ। ठीक है, तो वहाँ आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा, यही 50-75 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जो हम 45 मिनट में कर लेते हैं। ठीक है, मतलब 75 अगर करना हो तो 1 घंटे लग जाएगा, 1 से सवा घंटे लगेंगे, तो
हम लोग फास्ट चलते हैं, तो उतना फास्ट नहीं रहना, आप आराम से सोच करके समय भी ले सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, तो इसका जो है आंसर बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया, बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम पे अगर हम लोग बात करें तो केटी कौन थे, केटी तैलंग हो जाएंगे ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के। तो यहां पर आपको क्या है, बी का दूसरा केवल दो ऑप्शन में दिख रहा है हमें, ए और बी में। ठीक, और उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप लोगों को पता है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो कौन थे, राधाकांत देव थे। ठीक है ना, राधाकांत देव थे। तो यहाँ जो है वो आप सीधा सीधा मैच कर सकते हैं कि सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन के कौन हो जाएंगे, सैयद अमीर अली हो जाएंगे, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का आप लोगों को पता ही होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर से वही क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या करना है, सुमेलित नहीं है इसका आंसर करना है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं को बहुत ध्यान से देखना होता है वरना एक दो क्वेश्चन ऐसे ही गायब हो जाएंगे। ठीक, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन या इंडियन एसोसिएशन बॉम्बे। एक और दो, तीन और चार, एक और तीन और फिर दो और चार। तो इस तरह का ऑप्शन है आपके पास, कौन सा आपको लगता है कि सही, मतलब कौन सा लगता है कि ऑप्शन सही है लेकिन जो कूट है वो गलत है, इसका आंसर करिए सभी लोग। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर करिए जल्दी से। सभी लोग आंसर करेंगे। चौंतीस का जो है वो बी काफी लोग बोल रहे हैं। ठीक है, सभी लोग बताइए, सबका आंसर आ गया। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन जो है वो एक और तीन जो है वो सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, यानी यहां पर जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आखिर ये लंदन में ही हुआ था। अच्छा, इसका थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, इसमें सुमेलित है शायद यहाँ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया होगा। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वो लंदन में स्थापना हुआ है, और इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना जो हुई है वो भी कहाँ हुई है, लंदन में ही हुई है। बात समझ में आ गई, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है वो भी लंदन में ही हुई है, यानी बाकी दोनों जो हैं वो क्या हैं, गलत हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। अरेंज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसका आंसर करिए सभी लोग। पैंतीस का जो है वो ए कह रहे हैं, कौन, सौम्या बोल रही हैं, विक्रम का भी कहना है ए।
ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, 1, 2, 3, 4 जो है वो बिल्कुल सही है। कुलदीप जो है वो बी भटक करके कह दिए हैं, कोई बात नहीं। आप लोगों को पता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है, अभी हमने बात किया था, ये 1866 में दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। पूना सार्वजनिक सभा 1870 जो है वो अभी हमने बात कर लिया था, और मद्रास महाजन सभा जस्ट एक साल पहले 1884, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये 1885 में है। ठीक है, अनामिका रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल रेगुलर चल रही हैं, कभी कभी बीच में गैप आ जा रहा है, तो वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि कुछ कुछ व्यवधान आ जाते हैं। आगे अभी और नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ेंगी, ठीक है, आपको एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों की एक क्लासेस मिलने लगेंगी, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए तो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इंडियन एसोसिएशन है, यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग करना है। इंडियन एसोसिएशन है, पूना सार्वजनिक सभा है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, और साथ में मद्रास महाजन सभा है। आनंद चारलू हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, महादेव गोविंद रनाडे हैं, और फिरोज शाह मेहता हैं। ठीक है, इनको मैच करना है, जल्दी से मैच करके बताइए। आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग। 36 का, हाँ 36 का आंसर करिए। सर फीस कितना है बैच का? देखिए बैच बैच मत लीजिए, ठीक है, मतलब जो हमारा संग्राम बैच है वो अभी कितना ही देख पाएंगे, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हैं, तो उसको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए, अगर मन है तो। अभी 999 का प्राइस है, लेकिन 699 में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, तो वो अगर लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। ऐप पे चले जाइएगा, वहाँ से हिस्ट्री टेस्ट सीरीज करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, उसको आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें लगभग हमने 20 प्लस जो है वो लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट अरेंज करने की कोशिश की है, और 30 प्लस 35 प्लस जो है वो चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद और PDF वगैरह की तो वो सब हम बताते ही नहीं है। PYQ का आपको मिल जाएगा 15 साल का, है ना, उसके बाद 10,000 प्लस जो है वो क्वेश्चन का PDF आपको हम दे देंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, तो इसका आंसर जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल सही बता दिया है, यानी जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। जो आपका पूना सार्वजनिक सभा है, महादेव गोविंद रनाडे हो जाएंगे, और सी जो है वो बम्बई प्रेसिडेंसी, फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे, और मद्रास महाजन सभा, आनंद चारलू हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए इसका आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज द लास्ट टू बी एस्टेब्लिश, सबसे बाद में किसकी स्थापना हुई है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, या पूना सार्वजनिक सभा? आंसर करिए सभी लोग। जी सर, टेस्ट सीरीज लेना है मुझे। हाँ अनामिका, ले सकती हैं, ऐप पे जाकर के ले लीजिए। सर इंडिया प्लस कर लें तो एडमिशन हो जाएगा? देखिए इंडिया प्लस में थोड़े क्वेश्चंस बेसिक हैं, लेकिन अगर आप बार बार करते हैं ना उसको, तो आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभय, अगर आप उसको 3 बार कम से कम पढ़ जाते हैं तो फिर आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिए। चलिए, उसमें चूंकि PYQ वगैरह भी अच्छा खासा दिया हुआ है तो बहुत मदद करेगा आप लोगों को इंडिया प्लस बुक भी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या आप लोगों को? ने बता दिया सबसे बाद में कौन सी स्थापित हुई है, तो मद्रास महाजन सभा हुई है 1884 में। ठीक है, PYQ कहाँ है ऐप में? सर नहीं बाबू, वो क्या कहते हैं ना कि क्वेश्चन नहीं है, आपको PDF मिला होगा। ठीक है, अगर नहीं मिला है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आप ग्रुप में बता दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक, PYQ का लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें DU का दिया हुआ है, JNU का दिया हुआ है, आपका BHU का दिया हुआ है, तो काफ़ी सारे उसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और इंडिया प्लस में तो BHU का लगभग 15 साल का खुद ही मैच किया हुआ है, उसमें दिया हुआ है। ठीक, हाँ आ जाइए। मैच लिस्ट 1-2, लिस्ट 2, इंडिया लीग, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, यहाँ पर जो है वो शिशिर कुमार घोष हैं, आनंद मोहन बोस हैं, सैयद अहमद खान हैं, और फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, इनको जो है वो आपको मैच करना है। चलिए बताइए, इसको मैच करिए जल्दी से, सभी लोग मैच करेंगे। सभी लोग बताइए, सभी लोग।
तो कुछ लोग कह रहे हैं इसका आंसर सी होगा, कुछ लोग कह रहे हैं डी होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी बिल्कुल सही है, यानी आपका क्या है, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। इसका मतलब क्या है कि जो आपका इंडिया लीग था इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी, कब की थी, 1875 में की थी। उसके बाद जो दूसरा था इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की है आनंद मोहन बोस के सहयोग से। और जो तीसरा है भारतीय उदार संघ यानी इंडियन लिबरल एसोसिएशन, इसकी स्थापना एसएन बनर्जी ने की है। और जो है वो सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, केशव चंद्र सेन, गोपाल कृष्ण गोखले या लाला लाजपत राय? अभी जो है बताया गया है, जल्दी से इसको बता दीजिए आप लोग झट से। चलिए जी, कुछ लोग कह रहे हैं 39 का ए, ठीक है, 39 का ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जा रहा है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो है वो इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की थी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम हर तरह के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से प्रैक्टिस करा लेंगे, है ना। तो आप लोगों को पता है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस अब कम ही पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हम फैक्चुअल तो रखते ही हैं ताकि बेसिक्स क्लियर हो जाए, और मैच द फॉलोइंग वगैरह से एक ही बार में आपका काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट चेक हो जाता है। ठीक, तो इसलिए हर तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट, हाँ इस आंसर करेंगे, लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, है ना, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी या इंडियन एसोसिएशन। इसमें संस्थापक हैं आपके एसएन बनर्जी हैं, आनंद मोहन बोस हैं, विलियम एडम्स हैं और द्वारकानाथ टैगोर हैं। इसका आंसर करिए। एकाध भी पता हो तो आप आंसर आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। ठीक है, और मैच द फॉलोइंग करने का एक तरीका होता है, बजाय कि आप कॉन्सेप्ट जानते हो नहीं जानते हो, थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाना चाहें तो आप आराम से क्वेश्चन को कर जाएंगे, कहीं दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है ना, चलिए सभी लोग बताएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, काफी लोगों ने, ए जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, यानी आपका लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो है वो कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर ने कर दी थी 1838 में, जो कि पहले राजनीतिक संस्था थी। उसके बाद आपका विलियम एडम्स ने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वो 1839 में स्थापना किया है। उसके बाद इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो की है वो आनंद मोहन बोस ने की है, और ये जो इंडियन एसोसिएशन का स्थापना वर्ष जो था वो 1876 में ही, कौन से, कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो की थी। ठीक है, समझ में आ गया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे कूच करेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड इन द अर्लियर फेज ऑफ द कांग्रेस? निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता। ठीक है, इसका आंसर करेंगे आप लोग। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। कुछ करेंगे ट्रेंडिंग वर्ड। अच्छा, 41 का सी। भाई थोड़ा देख भी तो लो, यही तो समस्या है आप लोगों की। सभी लोगों ने, जिन लोगों ने आंसर दिया है, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। निशांत, कुलदीप, प्रियंका, विक्रम, सभी लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। समस्या यही है कि हम सब कुछ जानते हैं और इसी भ्रम में रहते हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, सभी लोग पढ़ेंगे दोबारा क्वेश्चन को और फिर एक बार आंसर करेंगे सभी लोग। कई बार क्या है ना, आसान क्वेश्चन भी आपको चकमा दे जाता है, और यही कहा जाता है कि
जीतेगा वही जो आसान क्वेश्चन से चकमा ना खाए। फिर अभी बदल रहे हैं लोग। सभी लोग आंसर करिए। देखिए यहाँ क्या है, क्वेश्चन सीधा पूछा गया है कि कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्था नहीं थी, ठीक है ना, और चारों ऑप्शन में साफ साफ डेट लिखा हुआ है, तो कैसे आप जवाब दे सकते हैं कि ये जो है वो नहीं थी। ठीक है, तो इनमें से चारों का चारों ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक चकमा खा गए आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ चारों जो संस्थाएं हैं ना वो कांग्रेस की स्थापना के पूर्व ही विद्यमान हो गई हैं। ठीक, तो इसलिए ये चारों ऑप्शन गलत हैं, कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 42 नंबर। ठीक, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। राधाकांत देव जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, गुजलू लक्ष्मी रासु चेट्टी फाउंडर ऑफ द मद्रास महाजन सभा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन, और इन इनमें जो है वन ओनली वन एंड थ्री ओनली कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। टू एंड थ्री ओनली या फिर वन टू थ्री ओनली, ऑप्शन ई लाते नहीं तो आपको रखना है ना, वही मैं देख रही थी। हाँ किरण बिल्कुल मोए मोए हो गया, देखिए आर्यन ट्रेंडिंग पेज पे जा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, तो यहाँ जो है वो कौन सा आंसर हो जाएगा जल्दी से बताइए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक और तीन जो है वो सुमेलित है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है वो एम वी राघवाचारी जी सुब्रमण्यम और आनंद चालू ने किया था, और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ की है। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और उसके बाद इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है, राधाकांत देव ने किया है। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव ने किया है, और साथ में आपको जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन है इसकी स्थापना गुजलू लक्ष्मी नरसु चेट्टी ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, कूच करेंगे। हाँ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813, और लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844। सभी लोग आंसर कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। शशि सी कह रहे हैं, और 43 का जो है वो कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं। चलिए सी इज द आंसर, 43 का डी, 43 का डी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा ना, सी और डी दोनों विकल्प यहाँ पर सही है, क्योंकि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की जो स्थापना हुई है 1823 में लंदन में हुई है। ठीक है, और ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, और साथ में लैंड होल्डर सोसाइटी जो है उसकी स्थापना आप लोगों की अभी हमने बात ही किया था 1838 में, जो है वो द्वारकानाथ टैगोर राधाकांत देव आदि लोगों ने मिलकर के किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 44 नंबर, निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद जो है वो ग्रहण करना, और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया। ठीक है, तो इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर करिए सभी लोग, मोतीलाल नेहरू, एम जी रानाडे, जी के गोखले और बी जी तिलक। ठीक है, 43 का आंसर करिए, 43 में कुछ लोग डी आंसर कर रहे हैं, 44 का आंसर करना है ना, सॉरी 44 का, हाँ तो 44 का ए कुछ लोगों का कहना है, ए डी भी कह रहे हैं लोग, ए कह रहे हैं, ठीक है डी कह रहे हैं, सी भी कुछ लोगों का कहना है, 44 का ए कहना है कुछ लोगों का। चलिए ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एम जी रानाडे जो है उन्होंने क्या किया था कि नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया था और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द पद ग्रहण करना भी अस्वीकार इन्होंने कर दिया था। ठीक है ना, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, इनका जो इन्हें क्या है कि दक्कन शिक्षा समिति या दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का श्रेय जो है वो इन्हें दिया जाता है। ये क्या थे, पूना के उप न्यायाधीश भी रहे हैं। ठीक है ना, और भी इनके कुछ जो है वो
अलग अलग इनके काम हैं। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं अगर आप जानना चाहें तो पुनर्विवाह इन्होंने लिखा हुआ है, उसके बाद मालगुजारी कानून और राजा राम मोहन राय की जीवनी जो है वो इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं आप बिल्कुल, लेकिन दोनों क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है ना, और शायद रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो है ही नहीं, ठीक, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए जी के गोखले हैं पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, और गोपाल कृष्ण गोखले के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो थे एमजी रानाडे, ठीक। यहाँ मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि राजा राम मोहन राय की जीवनी किसने लिखी थी, ये कौन आंसर करेगा, राजा राम मोहन राय की जीवनी जो है वो किसने लिखी थी और क्या प्रसंग है, कुछ आप लोगों को पता है, सभी लोग बताइए, देखते हैं। अरे भैया अभी अभी जीवनी जो लिखा था, जो क्या कहते हैं राजा राम मोहन राय की बायोग्राफी, और किसने लिखा था, एमजी रानाडे ने तो लिखा है, और बताइए, एमजी रानाडे ठीक है ठीक है बिल्कुल, और किसी ने लिखा था क्या राजा राम मोहन राय की जीवनी, सभी लोग आंसर करिए, और किसी का नाम आप लोगों को पता है जिसने राजा राम मोहन राय की जीवनी लिखी हो, मैरी कारपेंटर का नाम आप लोग जानते हैं, मैरी कारपेंटर ये रशिया की थी और अंतिम दिनों में राजा राम मोहन राय ने वहीं पर समय गुजारा था, तो लास्ट डेज ऑफ राजा राम मोहन राय ऐसा करके एक बुक जो है उन्होंने लिखा है जिसमें उनकी जीवनी लिखी हुई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वॉज फॉर्म्ड, वॉट वॉज द रीजन ऑफ इट्स फॉर्मेशन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया, इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण जो था वो क्या था, ठीक है, इसका आंसर करेंगे। बंगाल क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक सुधार संगठन के रूप में एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक जो है वो हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्यों के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया, बहराम जी मालाबारी एवं एम जी रानाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए और उपयुक्त संदर्भ में से विकल्प ए बी और सी में दिए गए वक्तव्य जो है वो कोई सही नहीं है, इसमें से कौन सा आंसर आप लोगों को लगता है कमेंट करिए। पैंतालीस का जो है वो ए आंसर सही नहीं है, इसका बी जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना जो है वो एम जी रानाडे और रघुनाथ राव ने किया था, ठीक है, ये जो है वो उसी का एक समाज सुधार प्रकोष्ठ था, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। 1887 में जो है वो उसी स्थान पर जो है वो इसकी स्थापना की गई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आज मैं टाइम भी भूल गया था, बहुत लेट हो गया है, काफ़ी स्लो आज हम चले हैं, कोई बात नहीं, कभी धीरे कभी तेज होता रहता है, कोई बात नहीं। चलिए इसका आंसर कर देंगे सभी लोग, सूची एक और सूची दो सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कुटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। 1883, 1906, 1927 और 1932, व्हाइट वॉल से सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन, A4, B3, C1 और D2 है यहाँ पर, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। दूसरा जो है ऑप्शन वो क्या है, A3, B4, C1, D2, तीसरा जो ऑप्शन है वो है A4, B3, C2, D1 और चौथा जो ऑप्शन है A3, B4, C2, D1, ठीक है। 45 का, 46 का आंसर करिए, 46 का बी कुछ लोग कह रहे हैं, 45 का सी, 45 का बी,
ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही है, 1843 में, 1883 में, यानी ए का जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक, 1883 में क्या हुआ था, कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसे जो है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आयोजित किया था। 1906 ईस्वी में क्या हुआ था, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई है, और 1932 में प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई है। ठीक है, तो इसी घोषणा के साथ आज के इस लाइव को खत्म करने की घोषणा की जाती है। आप लोगों को कैसा लगा इस ये लाइव, आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए, तो फिर हम इस सेशन को क्या करेंगे, विराम देंगे। ठीक है, तो एक बार बता दीजिए कैसा लगा ये लाइव, और आज का ये लाइव जो है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। फटाफट जल्दी से आंसर कर दीजिए। बहुत अच्छा, अभय केसरवानी को लगा है, और बाकी लोगों को एक बार सेशन को लाइक भी कर लीजिएगा जाते जाते, ताकि जो है वो यूट्यूब बाद में दिखाता रहे कि भाई फलाने जी ने जो है वो लाइक किया हुआ था इस सेशन को। ठीक है, ये काम करना मत भूलिएगा, सभी लोग लाइक कर देंगे। थैंक यू सर इस क्लास के लिए। तो डेली आया करिए, ठीक है, डेली आया करिए, मुझे भी खुशी होगी। कल जो है वो फिर से हम 4 बजे मिलेंगे इसी समय पे, और मेरी कोशिश है कि जो संडे वनडे है ये सब भी, मेरा बहुत गलत हुआ सर, कोई बात नहीं, याद रखिए। ठीक है सर, घटना चक्र कितनी बार पढ़े, मत पढ़िए। अच्छा, घटना चक्र वो, सॉरी, क्वेश्चन वाला है ना, क्वेश्चन यार ठीक है, उसमें क्वेश्चन थोड़े से अटपटे से, ठीक है, उसको कर लीजिए, कर लीजिए, 2 बार कर लेंगे ना, अगर उसका जो टॉपिक है वो दिया हुआ है और साथ में क्वेश्चन जो है वो दोनों अगर आप पढ़ते हैं तो 2 बार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इतना ज़्यादा क्यों लोड लेते हैं अभय, एकाध जो है वो आप शायद क्लास के स्टूडेंट हैं, आप लेक्चर वगैरह 1-2 बार देखिए, पढ़िए अच्छे से, कैसे क्या पढ़ें कुछ समझ नहीं आ रहा, वीडियो देखिए जा करके, कैसे क्या पढ़ें कुछ समझ नहीं आ रहा, इसके लिए क्या ही बताऊं मैं। थोड़ा सा सेशन देखिए, मैं यही कहता हूं बार बार, शॉर्ट्स वगैरह जो बना रहा हूं या जिस भी तरह से हो पा रहा है आप लोगों की मदद करने की कोशिश हो रही है, और उसका उपाय बस यही है कि कॉन्सेप्ट पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है ना किरण, तो चलिए ठीक है, आज के इस लाइव को यहाँ अंत करते हैं हम लोग। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।